जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो, जब हम विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हो, जब संघर्ष हो, जैसे काम पर एक कठिन बॉस के साथ, यह आश्चर्यजनक है कि हमारा दृष्टिकोण कैसे संकुचित हो जाता है। हमने पिछले रविवार को चर्च में आराधना के उन महान गीतों को गाया था, लेकिन आज वो सब जीतने के बारे में है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संघर्ष, चाहे घर पर हो, कार्यस्थल पर, अपने पड़ोसियों के साथ हो या किसी और के साथ भी, वो वास्तव में हमारा ध्यान कम करने का एक तरीका है। इससे हमारा अभिमान बढ़ जाता है और नियंत्रण ले लेता है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बेहतर व्यवहार किया जाना चाहिए। ये बात कार्यस्थल में खास तौर से सच है, जब हमारा काम इतना सांसारिक लगता है कि यीशु में विश्वास से इसका कोई संबंध नहीं लगता। वास्तव में बहुत से लोगों का विश्वास एक डिब्बे में और उनका कार्य जीवन दूसरे में होता है। मानो वे दोनों पूरी तरह से अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल में लिखा है, कुलुसियों 3 उसका 23वां वचन, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी करते हैं उसे अच्छी तरह से करें, उसे उत्कृष्टता के साथ करें। इसे इस तरह से करें जिससे यीशु के नाम का सम्मान हो, क्योंकि इससे कम कुछ भी करना एक पाखंड होगा। एक तरफ राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु में विश्वास करने का दावा करना, और दूसरी तरफ औसत दर्जे का काम करना, या इससे बेहतर आलसी या बेईमान होना, वास्तव में एक पाखंड है, और दुनिया पाखंड से नफरत करती है। इससे भी बुरी बात यह है कि हमारा पाखंड यीशु के नाम को बदनाम करता है। क्या हम वास्तव में ये करना चाहते हैं? इसलिए आप जो भी काम अपने हाथ में लें, उसे अच्छी तरह से करें, क्योंकि आप इसे केवल एक सांसारिक स्वामी के लिए नहीं कर रहे हैं। जो कुछ आप करते हैं वो सब राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के लिए होता है। अपनी श्रेष्ठता से उसका आदर करें। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके लिए।